हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल सीएनसी कैट के में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्प्लाइन लाइन की। स्प्लाइन लाइन क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं और ये कितने टाइप की होती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूवर से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपसे कोई भी टेक्निकल वीडियो मिस ना हो। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे न्यू में, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बताता हूँ हर वीडियो में। यहाँ पे जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है, हम सबसे पहले प्लान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्लान सेलेक्ट करने के बाद हम जो है स्केच में जाएंगे, स्केच में जाएंगे। जैसे ही स्केच में जाएंगे तो प्लान नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये है स्प्लाइन लाइन के जो है टूल बार। यहाँ पे इस पर अगर ड्रैग करेंगे तो देखिए, इसमें तीन टाइप की इक्वेशन है, स्प्लाइन लाइन, स्टाइल स्प्लाइन लाइन और इक्वेशन ड्रिवन कर्व। ये जो है दोस्तों, इसमें थोड़ा एडवांस है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम इन दोनों लाइन के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करती हैं ये। ये देखिए, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको पूरी डिस्प्ले पे कहीं पे भी चाहूँ अगर स्टार्ट करना, तो मैं इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ कहीं से भी। ये कोई नहीं, ओरिजिन से चाहूँ तो ओरिजिन से कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको किसी और पॉइंट से करूँ तो वहीं से भी कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं स्टार्ट कर दिया, ये देखिए। इसको अब एंड जाना तो सेलेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। ये दोस्तों, इस लाइन की बड़ी खासियत है, ये किसी भी तरीके से फोल्ड हो जाती है। इसमें कोई वो नहीं है कि हमारी स्ट्रेट चलेगी या इंक्लाइंड चलेगी, ये आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसके पॉइंट हैं, इसे पकड़ के इधर उधर ऊपर नीचे भी, ये देखिए, किसी भी तरीके से, किसी भी डायरेक्शन में, किसी तरीके से इधर घुमा सकते हैं। आप जैसे चाहें फोल्ड कर सकते हैं। और आप इसमें चाहते हैं, जैसे इसकी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनका डायमेंशन देना वो भी दे सकते हैं। अगर इसमें चाहते हैं कि एक पॉइंट और ऐड करना है बीच में ये स्प्लाइन लाइन का, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ से जाएंगे ऐड ऑप्शन में, ये यहाँ पे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, ये देखिए, इंसर्ट, इंसर्ट द स्प्लाइन लाइन पॉइंट। जैसे आप करेंगे इंसर्ट, तो एक पॉइंट ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, जहाँ पे भी दिल कर रहा है यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दो, एक बार सेलेक्ट हो जाएगा ये कहाँ भी मैं कर सकते हो। देखो एक एक पॉइंट पड़ गया, तो इसे एस्केप कर लेंगे, यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। और अब देखिए, यहाँ से भी इसको ड्रैग कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इसका पॉइंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं डायमेंशन देना चाहता हूँ, तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ से इसको डायमेंशन, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशन देनी है, तो मैं आराम से दे सकता हूँ। ये देखिए, ये एंगल दिखा रहा है, अगर एंगल देना है तो एंगल दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मैं 45 का एंगल कर दूँ, ठीक है, ये एंगल दिखा देगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के एंगल। और अगर आपको वैसे डिस्टेंस देनी है, इससे इसी कितने डिस्टेंस है, ये देखिए, तो आप इस तरीके से डिस्टेंस भी दे सकते हैं, किधर को भी दे। देखो इधर ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से, इधर करेंगे इधर, तो इधर करेंगे इस तरीके से, तो आप जैसे चाहो। मैं चाहता हूँ इस तरीके से 50। डायमेंशन के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, तो उस तरीके से हम दे सकते हैं ये। अगर आप चाहते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देना, तो यहाँ से भी दे सकते हो 130। ये देखिए, इस तरीके से आप डायमेंशन वगैरह दे सकते हो। इसका बेस्ट यूज जो है, हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब इसमें देखेंगे हम। आप सारे ट्यूटोरियल देखते रहिए मेरे, एक एक करके सारी मैं ए टू जेड सिखाऊंगा आपको, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कोई कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देखते रहेंगे मेरे सारे ट्यूटोरियल तो आप घर बैठे फ्री में सीख सकते हैं पूरा सॉफ्टवेयर। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। ये देखिए, अभी स्टाइल लाइन पे जाएंगे तो यहाँ से इसका क्या है, इसका अलग ही कमाल का फीचर है, ये देखिए, ये देखिए, इसकी जो कंट्रोल है ना, इसके एंगल पे, इन इन लाइन के ऊपर डिपेंड इसका कंट्रोल रहता है। इन लाइन की डायमेंशन जो ये लाइन है, स्प्लाइन लाइन का, इनके ऊपर इसका कंट्रोल है। अगर इनका आप चाहते हो डायमेंशन वगैरह देना, तो यहाँ से दे सकते हो, ये देखिए। अगर यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए, इसके एंगल आपको अभी 85 है। अगर मैं चाहता हूँ
75 करना, तो ये देखिए 75 हो जाएगा। ये देखिए आप इनके डायमेंशन देना चाहते हैं तो इस तरीके से डायमेंशन भी दे सकते हैं। दोस्तों न्यू व्यूवर जो होते हैं उन्हें समझने में जो भी है दिक्कत आती है जो न्यू है लर्निंग में, तो इसमें देखो अगर इसमें बीच में पॉइंट नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तब भी ये पूरा ले लेगा, पूरी लाइन के लिए डायमेंशन लेगा। अदरवाइज आप चाहते हो कि भाई इस पॉइंट पर क्लिक करें और इस पॉइंट पर क्लिक करें तब भी ये पूरा ले लेगा। तो इसके दोनों तरीके हैं, इसमें कन्फ्यूज ना हुए क्योंकि बहुत सारे बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप इसको ध्यान से करें ठीक है। और जो भी चीज़ें हम करेंगे इसके देखो लेंथ इसका दे सकते हो, ये पूरी ये जो लेंथ है ये पूरी की ले रहा है, ये जितनी भी हमारी लाइन लाइन है इसकी अगर लेंथ यहाँ से ऐसे देंगे तो ये पूरी की लेंथ ले रहा। इसको 400 करूँगा मैं तो छोटा हो जाएगा, ये देखिए छोटा हो गया सिकड़ के। तो ये इस तरीके इनकी सारी डायमेंशन दे सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद।